दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने लैपटॉप में नेटफ्लिक्स ऐप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, आप अपने फोन में तो गूगल प्ले स्टोर से जाकर के इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, बट लैपटॉप में कैसे डाउनलोड करेंगे नेटफ्लिक्स ऐप को। इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। आपको अपने लैपटॉप में स्टार्ट बटन पे सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर सर्च कर लेना है, ठीक है। तो आप जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट स्टोर इस टाइप से लिखेंगे तो आपको दिख जाएगा ये ऐप। आपको इस पे क्लिक करना है और इसको ओपन कर लेना है। और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आप जब ओपन करेंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको ऊपर सिंपली लिख करके सर्च कर लेना है। सर्च बार में यहाँ पे आप नेटफ्लिक्स लिख दीजिए और यहाँ पर सर्च कर लीजिए। ओके, जैसे ही सर्च करेंगे नेटफ्लिक्स तो आपको ये ऐप दिख जाएगा। आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स, आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा नेटफ्लिक्स। आप गेट पर क्लिक करिए यहाँ पर। जैसे ही आप गेट पर क्लिक करेंगे, आप इधर नीचे की साइड स्क्रॉल करके इसका साइज देख सकते हैं। ये यहाँ पे आपको दिखा देगा, जैसे अप्रोक्सीमेट साइज यहाँ पे दिखा रहा है 10.4 MB का। ओके, तो यहाँ पे आप जैसे ही गेट पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। और जैसे ये यहाँ पे कम्प्लीटली डाउनलोड एंड इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आपके लैपटॉप में ये आ जाएगा। सिंपली आप यहाँ पर लिख करके सर्च करेंगे जब नेटफ्लिक्स, तो आपको दिखा देगा। आप इस पर क्लिक करके इसको ओपन करके चला सकते हैं। तो इस टाइप से आप अपने लैपटॉप में नेटफ्लिक्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए मैं मिलता हूँ आपसे और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।